आध्यात्मिक धर्म गुरु एवं सनातन धर्म प्रचारक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। उन्होंने अधिनियम को हिंदुओं की धार्मिक आस्था के विरुद्ध और अन्यायपूर्ण बताते हुए इसे शून्य करने की मांग भी की है। साथ ही अधिनियम में अयोध्या को छोड़कर मथुरा आदि अन्य देव स्थानों को शामिल करने पर उन्होंने आपत्ति भी जताई। याचिका के संबंध में बोलते हुए देवकी नंदन महाराज ने कहा कि 1991 के अधिनियम ने कानून की प्रक्रिया के माध्यम से विवाद के समाधान की कार्यवाही को समाप्त कर दिया है और केंद्र की कानून बनाने की शक्ति से जो कि केंद्र की कानून बनाने की शक्ति से परे। इतना ही नहीं, देवकी नंदन महाराज ने कहा है कि मंदिर की जमीन पर बनी मस्जिद एक मस्जिद नहीं हो सकती क्योंकि उसका निर्माण इस्लामी कानून के खिलाफ है। देव मंदिर भूमि पर कब्जा कितना भी लंबा क्यों ना हो, यह भक्तों के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि कानून हिंदुओं को अपने देवताओं की पूजा एवं संरक्षण के अधिकार से रोकता है। हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कहां जाएंगे। इस अधिनियम में भगवान श्री राम के जन्म स्थान को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसमें भगवान कृष्ण के जन्म स्थल को शामिल किया गया है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं और पूरी दुनिया में समान रूप से पूजे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।